हे गाइस, तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है अपने में ही जिसे आज हर कोई जानता है। फर्स्ट टाइम स्कॉर्पियो को साल 2002 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक हमने इसके तीन नेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स को देखा है, बट अब महिंद्रा इस देसी एसयूवी का फोर्थ जनरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है जिसका कोडनेम फिलहाल Z101 रखा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला चेंज है इसका नया नाम। जी हाँ, रिसेंटली महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के चार नए नाम फॉर्मेट को रजिस्टर करवाया था जो है द स्कॉर्पियो स्टिंग, द स्टिंग, स्टिंग एंड स्कॉर्पियो स्टिंग। तो इस तरह महिंद्रा नई एसयूवी के लिए ऑल न्यू स्टिंग नेम प्लेट का यूज कर सकती है। इन चार नेम फॉर्मेट के अलावा एक और नया नाम जो है स्कॉर्पियो एन, ये भी रजिस्टर करवाया गया है महिंद्रा की तरफ से। ये नाम शायद स्कॉर्पियो के टॉप वेरियंट का रखा जा सकता है। सेकेंड चेंज की बात करें तो वो है इसका नया डिजाइन। लेटेस्ट पाइशॉट के अकॉर्डिंग इसके फ्रंट में महिंद्रा की ट्रेडिशनल वर्टिकल स्लेट ग्रिल दी गई है। ग्रिल के दोनों तरफ ड्यूअल बैरल हेडलैम्प्स दिए जाएंगे। ग्रिल के निचले हिस्से में आपको सी शेप एलईडी डीआरएस देखने को मिल सकते हैं जिन्हें फ्रंट बम्पर के दोनों साइड पर पोजिशन किया गया है। साइड की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आपको न्यू ORVMs, विथ टर्न इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, न्यू एलॉय व्हील्स और साइड स्टेप जैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डोर हैंडल्स का लेआउट और डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। रियर में अगर चेंज हो सकता है तो वो इसकी टेललाइट्स में किया जा सकता है। बाकी रियर में पहले की तरह ही साइड वे ओपनिंग डोर और स्पॉइलर इंटीग्रेटेड ब्रेकलाइट जैसे फीचर्स मिलेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा चेंज जो किया जाना है वो है इसके इंटीरियर्स में। इसके कैबिन को नया डिज़ाइन और एक नया लुक दिया जाएगा। रूमर्स की माने तो इसके इंटीरियर्स का लेआउट और इसके इंटीरियर्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स महिंद्रा की एक दूसरी गाड़ी महिंद्रा मिराजो से शेयर किए जाएंगे। तो इस तरह इसके इंटीरियर्स को सिंपल रखा जाएगा बट इसमें बहुत सारे नए लेटेस्ट फीचर भी ऐड किए जाएंगे। फोर्थ चेंजेस, इट्स बेटर सेफ्टी एंड प्लेटफॉर्म। जब ग्लोबल एनकैप के द्वारा महिंद्रा स्कॉर्पियो का क्रैश टेस्ट किया गया था तब इसने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट उसके बाद महिंद्रा कंपनी सेफ्टी को लेकर काफ़ी सीरियस देखी जा सकती है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को थार की लेडर फ्रेम चेसी पर बनाया जाएगा जो कि काफ़ी सेफ है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे और भी कई सारे फीचर्स दिए जा सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट चेंज इज इट्स न्यू इंजन्स। 2021 स्कॉर्पियो में थार वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जा सकते हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो 150 पीएस की पावर और 320 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। डीजल वेरिएंट की बात की जाए तो डीजल वेरिएंट में भी एक 2.2 लीटर इंजन मिल सकता है जो 130 पीएस की पावर एंड 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये दोनों इंजन ही 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ दिए जाएंगे। न्यू स्कॉर्पियो को 2021 जून के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है और यह करंट मॉडल से ओबियसली बात है महंगी तो होगी ही। इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा और निसान किक से होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।